खबर जो है वो गाजियाबाद से है, जहां गाजियाबाद में एक दोस्त ने अपना चेहरा छुपा कर, आपको बता दें दोस्त से करीब 45 लाख की लूट की है और पुलिस ने अब इस लूट का खुलासा किया है। और जिसमें अनपढ़ लुटेरों ने इस तरीके से इस साजिश को रचा था कि अच्छे अच्छे गैंगस्टर भी चकरा जाए, तो गाजियाबाद पुलिस गिरफ्त में पीले टी शर्ट के ये युवक हैं आतिफ और महज 8वीं क्लास पास। आतिफ ने जिस तरीके से 45 लाख की लूट को अंजाम दिया था उससे पुलिस भी चकरा गई। आतिफ के साथ अन्य आरोपी जो खड़े हैं उसमें आमिर और नदीम अनपढ़ हैं और दानिश अनपढ़ है, वहीं 4 आरोपी अभी फरार हैं। दरअसल आतिफ को पता था कि उसका दोस्त फरमान भारी संख्या में पैसे लेकर दिल्ली से गाजियाबाद आता है, इसलिए आतिश ने एक फुल प्रूफ प्लान बनाया और 19 दिसंबर को आतिफ ने अपने साथियों के साथ मिलकर फरमान से 44,93,000 रुपये लूट लिया। आतिफ फरमान के सामने पहचाना न जाए इसलिए आतिफ ने हेलमेट लगाया हुआ था और अपना मुंह ढका हुआ था। आतिफ ने पिस्टल दिखाकर अपने 3 साथियों के साथ शीशा तोड़ के गाड़ी से पैसा निकाल कर फरार हो गया था। क्या नाम है? दानिश। फरमान। क्या काम करते हो? मेटल स्क्रैप। क्या हुई थी उस दिन घटना? उस दिन घटना में दिल्ली से चला था फैमिली लेके, तो राजनगर के अंदर से एक जाम था, मैंने उल्टे हाथ पर गाड़ी ले ली अपनी, तो उधर से क्या मेरी एकदम से मेरे आगे का शीशा फोड़ के मुझे पिस्टन दिखा के मुझसे पैसों का बैग मांगा। कितने लोग थे आप? हम 2 लोग थे, आसिफ और फरमान। और पैसे कितने थे गाड़ी में? गाड़ी में पैसे थे 44,93,000। सारे ले गए थे? सारे। अब आपको पता चला ये तो आपका दोस्त ही है? हाँ, मुझे पता चला कि मेरा दोस्त है। कब हुई थी, किस तरीके से हुई थी और आज खुलासा किया है, क्या निकला है उसमें? देखिए, 19 तारीख को शाम को एक फरमान मलिक और आसिफ TUV गाड़ी में जा रहे थे। 3 नाकापोश बदमाश जो है TUV को रास्ते में ही रोके, शीशा तोड़ के कट्टा लगा के एक पैसे से भरे हुए बैग लूटे थे जिसमें 44,93,000 पैसे थे। तो चलते वक्त एक मोटरसाइकिल उन जो यूज़ कर रहे थे वो ख़राब हो गया था, तो रास्ते में एक और स्कूटी इन्होंने भूपेश नाम के व्यक्ति से लूटा और वहाँ से फरार हुआ।